दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ एसएससी एमटीएस हवलदार 2021 के रिगार्डिंग कम कटअप वाले पांच राज्य के बारे में यहाँ पे डिस्कस करूँगा, ताकि आप अपने फॉर्म जब अप्लाई करें तो उसमें अपना फर्स्ट 5 प्रिस्पेंस इसको दे सके। सबसे पहले मैं आपसे एक बात करना चाहूँगा कि आपको पोस्ट प्रेफरेंस सबसे पहले अपने अकॉर्डिंग देनी चाहिए। सबसे पहले आप ये सोचें कि आपको किस राज्य में नौकरी करनी है, ठीक है। यदि आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी, जैसे कि किसी भी राज्य में आप नौकरी करना चाहते हैं, तो सबसे पहले च्वाइस उसी को दीजिए। लेकिन यदि आप सोचते हैं कि आप पूरे इंडिया में कहीं भी जॉब कर सकते हैं, मतलब आपकी इच्छा है कि आप किसी भी स्टेट में जॉब करेंगे, तब आप ये वीडियो ज़रूर देखिए, ठीक है। यहाँ पर मैं आपके साथ पूरा डेटा के साथ यहाँ पे डिस्कस करूँगा, और यहाँ पर मैंने जो डेटा 2 साल के आपके सामने रखा है, लेकिन मैंने यहाँ पिछले 3 ईयर्स के डेटा को एनालिसिस किया, ठीक है, पिछले 3 सालों के डेटा को एनालिसिस किया। और यहाँ पर मैं आपके साथ 2019 और 2020 के कटअप के आधार पर यहाँ पर आपके साथ डिस्कस करूँगा, ठीक है। यहाँ पर आपको पता है कि इसका जो कैटेगरी है, 2 कैटेगरियों में बांटा गया है। पहला 18 से 25 के लिए अलग कटअप बताया है, दूसरा 18 से 27 के लिए। तो सबसे पहले मैं आपके साथ यहाँ पर 18 से 25 वालों की बात करूँगा। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपके साथ डेटा शेयर करूँगा कुछ स्टेट्स के बारे में, उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि यहाँ पे सबसे कम कटअप वाले 5 राज्य कौन हैं और आपको पोस्ट प्रेफरेंस में क्या देनी चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले हाई कटअप वाले राज्यों के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो हाई कटअप वाले जो राज्य है, इसमें 18 से 25 के लिए सबसे पहले मैं 2019 की बात करूँगा। तो 2019 में जो हाई कटअप गया था 18 से 25 में, वो तेलंगाना, उसके बाद मैं बात करूँ पंजाब, उसके बाद राजस्थान, एमपी, ये सारे राज्य का कटअप काफ़ी ज़्यादा गया था, ठीक है। ये कैटेगरी 18 से 25 वालों की मैं बात कर रहा हूँ। उसके बाद वहीं मैं मेघालय की बात कर रहा हूँ, तो मेघालय में यहाँ पे यूआर का कटअप जो गया था 70.8 गया था, ठीक है। वहीं तेलंगाना की मैं बात करूँ, तो तेलंगाना में जो ओबीसी गया था, ठीक है, यहाँ मैं आपको एक एक के बारे में बात करूँगा। तो यहाँ पर ओबीसी का जो कटअप था 84.8 गया था। यहीं पे यूआर की बात करें तेलंगाना में ही, तो तेलंगाना में यूआर जो कटअप गया था, ये भी 84 पॉइंट समथिंग गया था, ठीक। अब यहाँ पंजाब की बात करते हैं, तो पंजाब का जो यूआर का कटअप गया था 89.6 गया था, ठीक है। वहीं आप यहाँ पर बात करें राजस्थान, मध्य प्रदेश, मतलब ये सारे स्टेट्स का जो कटअप गया था काफ़ी हाई था, ठीक है। तो आपको यहाँ पे इस चीज़ों को थोड़ा सा ख्याल रखना है। अब यहाँ पे मैं कुछ स्टेट्स का नाम लिख रहा हूँ, और उसके बारे में आपके साथ यहाँ पर डिस्कस करूँगा कि इनके जो कटअप हैं किस तरह से कम गए थे, ठीक है। तो सबसे पहले नंबर पर बात करेंगे महाराष्ट्र की। सबसे पहले बात करेंगे महाराष्ट्र। देखिए, महाराष्ट्र का जो यहाँ पे जनरल का जो यू आर का मतलब अनरिजर्व जो कटअप गया था, वो 67.8 था, 67.8 था, ठीक है। वहीं EWS की बात करें तो 66.5 था, EWS का कटअप 66.5, और OBC का जो कटअप था इसका 66.7, और SC का कटअप 66.5, और ST का 54.9। ये 2019 की बात हो रही है, ये जो मैं डेटा आपके साथ शेयर कर रहा हूँ 2019 MTS, ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि किस स्टेट का जो कटअप है कितने लेवल तक जाता है, ठीक है। अब अगले स्टेट की बात करूँ मैं, असम की। अगला स्टेट असम के बारे में बात करता हूँ, तो असम का जो जनरल का जो कटअप गया था 71.3, वही मैं बात करूँ यहाँ पे EWS का तो 66.9। OBC का बात करें तो यहाँ पर OBC का 69.2, यहाँ पर OBC का कटअप EWS कटअप से ज़्यादा गया था 69.2। और यहाँ पे SC की बात करें तो 69.3, और यहाँ पे ST का जो गया था 61.3। ये डेटा आपको समझना चाहिए ताकि आप इसी के अनुसार अपना पोस्ट प्रेफरेंस दे सकें। अब मैं बात करूँगा ओडिशा का, ठीक है। देखिए, ओडिशा का यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो उड़ीसा का जो UR का कटअप गया था 73.5। अब मैं बात करूंगा EWS का तो 72.6, उसके बाद बात करेंगे OBC का तो 71.5, उसके बाद SC का, तो SC के यहाँ पे 71.6 और ST का 57
0.7। देखिए आप यदि एससी कैंडिडेट हैं तो आप यहाँ से जज कर सकते हैं कि एससी का और एसटी का कट ऑफ किस स्टेट में कम जा रहा है। आगे मैं बात करूँगा वेस्ट बंगाल का। वेस्ट बंगाल का यूआर का जो कट ऑफ गया था 75.2, ईडब्ल्यूएस का 67.1, ओबीसी का 70.2, एससी का गया था 71.9 और एसटी का गया था 56.7। ठीक है, तो यहाँ पर आपने देखा कि मैंने यहाँ पर फोर और एक मेरा राज्य यहाँ पर मेघालय ले लेता हूँ, इसका भी कट ऑफ काफ़ी कम गया था। ठीक है, तो मेघालय का जो जनरल का कट ऑफ गया था वो 70.8, उसके बाद इसका ईडब्ल्यूएस का जो कट ऑफ गया था 66.8, ओबीसी की बात करें तो 69.0, एससी की बात करें तो 69.6। ठीक है, और यहाँ पे एसटी के यहाँ पे कुछ नहीं था। तो आपने यहाँ पे देखा कि एमटीएस 2019 में 18 से 25 वालों का यही जो मैंने स्टेट पांच स्टेट आपको बताए इसमें काफ़ी कम मार्क्स गए थे। इसके बाद जो मार्क्स था 80 प्लस था, मैक्सिमम स्टेट का जो 80 प्लस चला गया, जैसे कि मैं बात करूँ तेलंगाना में, तेलंगाना में यूआर का 89.6 था। वही बात करें यहाँ पे मध्य प्रदेश का, तो मध्य प्रदेश का जो यूआर का था 80 गया था। तो इस तरह से अदर स्टेट के काफ़ी ज़्यादा कटअप गए थे। अब यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं एमटीएस 2020 का। अब यहाँ पर एमटीएस 2020 के कटअप के बारे में बात करेंगे इस वाले में। तो देखिए यहाँ पर मैं आपके साथ स्टेट लिख रहा हूँ और यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बता देना चाहता हूँ कि यहाँ जो हाई कटअप गया था बिहार का, बिहार के यूआर का 93 प्लस समथिंग गया था, और यहाँ बिहार का जो ओबीसी की बात करें तो बिहार का ओबीसी का 91.4 गया था, 93 यूआर का गया था और ओबीसी का गया था 91.4। ठीक है, ये बिहार के। अब यहीं पे आप यूपी देख सकते हैं, यूपी का जो कटअप था यूआर का 81.4 था। ठीक है, और यहाँ पे ईडब्ल्यूएस की बात करेंगे, यूपी में ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट से जो कटअप गया था 77.94 गया था। ठीक है, ये एमटीएस 2020 की बात हो रही है। वेस्ट बंगाल का भी यहाँ पे कटअप भी काफ़ी ज़्यादा रहा, वेस्ट बंगाल का जो यूआर कटअप था 81.3 था, यहाँ पे ईडब्ल्यूएस कटअप 76.8 था। तो इस तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो हाई कटअप वाले स्टेट्स हैं कौन कौन से हैं। तो मैं यहाँ पर आपको यहाँ पर सिर्फ वैसे स्टेट के बारे में बतलाऊँगा जिनका कटअप कम गया है और आपको पोस्ट प्रेफरेंस में वही स्टेट को देनी चाहिए। ठीक है, अदरवाइज आप जिस स्टेट से जॉब करना चाहते हैं यदि आपकी इच्छा है तो आप पहले तो प्रेफरेंस वही दीजिए, और ऐसा नहीं कि शुरुआत में ही आप दे दें ऑल स्टेट, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम लोग को यहाँ पर 2020 के बारे में बात कर लेते हैं। तो 2020 का जो मैं यहाँ पर डेटा जो कलेक्ट किया हूँ, सबसे पहले कर्नाटक का आप यहाँ पर देखेंगे, कर्नाटक का जो यहाँ पे यूआर का कटअप गया था 68.26 था, 68.26। ये दोनों 2019 और 2020, ये 2019 का एमटीएस का है, ये 2020 का एमटीएस का, ये 18 से 25 कैटेगरी के लिए है। आगे मैं आपके साथ 18 से 27 वाले के बारे में भी डिस्कस करूँगा, तो पेशेंस रखिए। यदि आप 18 से 27 कैटेगरी में हैं तो जस्ट इसके बाद मैं उस पर डिस्कस करूँगा। यहाँ पर स्टेट कर्नाटक का यूआर कटअप 68.26 गया था, और यहाँ पर ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी की बात करें तो 68.09, थोड़ा सा यहाँ पर डिफरेंस दिखे, 68.09 यहाँ पर गया था। ओबीसी की बात करें तो यहाँ पर 67.65, और यही एससी कैंडिडेट की बात करें तो यहाँ पर एससी का 71.4, और एसटी का काफ़ी कम गया था 58.3। कर्नाटक के बाद यहाँ पे मैं बात करूँगा आपके साथ जो सबसे कम अकॉर्डिंग टू सीक्वेंस जो महाराष्ट्र का देखिए, महाराष्ट्र का जो यूआर का कटअप गया था 70.4। ठीक है, ये 1825 कैटेगरी का है, और यहीं पे आप ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 68.3, और ओबीसी का जो कटअप गया था 69.5, और एससी का 66.8, और एसटी का 58.8। ठीक है, महाराष्ट्र हो गया। और तीसरे नंबर पे बात करेंगे यहाँ पर
जो कट ऑफ है वहाँ पे गुजरात की बात करते हैं। तीसरे नंबर पे गुजरात का जो यूआर का कट ऑफ गया था 70.8। देखिए ये टीयर वंस के मार्क्स हैं, ये टीयर वंस के मार्क्स बारे में आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। गुजरात का 70.8 जो यूआर का था, वही ईडब्ल्यूएस का 68.6, वही बात करूँगा ओबीसी का 69.9, ओबीसी का 69.9, वहीं पे एससी की बात करें तो 66.9 और एसटी का 60, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नागालैंड, देखिए ये ऑल स्टेट की बात हो रही है तो यहाँ पे सारे स्टेट को मैंने अच्छे से एनालिसिस किया है। नागालैंड का जो यूआर का कटअप था वो 72 पॉइंट समथिंग था, और यहाँ पे जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का कटअप गया था 70.6, ओबीसी का यहाँ पे 71.9, एससी का बात करें तो एससी का नागालैंड में 67.9, ठीक है, और यहीं पे एसटी की बात करें तो 61.1। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे जो कम कट ऑफ गया था यहाँ पर तेलंगाना का, ठीक है, तेलंगाना इसका यूआर का जो कट ऑफ गया था 73.6 था, और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 70.0, और वहीं बात करेंगे ओबीसी के 73.2। यहाँ पर ओबीसी का जो कटअप है ईडब्ल्यूएस के कटअप से ज़्यादा गया था, एससी 70 था और एसटी जो था 68 पॉइंट समथिंग था, तो आप मान चलते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे और जो स्टेट्स हैं वो आपके साथ यदि डिस्कस करना चाहूँ, वैसे वेस्ट बंगाल भी आप देख सकते हैं, वेस्ट बंगाल के यहाँ पर कटअप थोड़ा ज़्यादा गया था। वेस्ट बंगाल के कटअप की बात करें तो यहाँ पर वेस्ट बंगाल का यूआर का कटअप गया था 80.3, यहाँ पर ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 76.8, ओबीसी की बात करें तो 78 पॉइंट समथिंग था। यहाँ पर देखिए कितना कटअप यहाँ पे और स्टेट के कंपेयर में अधिक किया है, 78 पॉइंट समथिंग था ओबीसी में, और एससी की बात करें तो 78.9 था और एसटी 68.7 था, ठीक है। तो यहाँ से आपने देखा कि जो कैटेगरी हम बात कर रहे हैं 1825 के लिए, यहाँ पे 2020 के कटअप और 2019 के कटअप से आपको स्पष्ट ये दिख रहा है ये जो राज्य हैं इनके कटअप जो हैं काफ़ी कम है कंपेयर टू अदर स्टेट, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपको अपना पोस्ट प्रेफरेंस में कम कटअप वाले स्टेट को देना चाहिए। अकॉर्डिंग टू मी, मेरे अनुसार आप एक नंबर पर जो दे सकते हैं वो महाराष्ट्र दे सकते हैं, एक नंबर पर आप महाराष्ट्र दे सकते हैं। महाराष्ट्र का कोड आप अपने जो फॉर्म अप्लाई करेंगे वहाँ पर रहेगा, आप अपना कोड अप्लाई कर सकते हैं, जैसे तेलंगाना का 63 है, उड़ीसा का 32 है एमटीएस का, तो आप वहाँ से कोड अप्लाई करेंगे। एक नंबर पर आप महाराष्ट्र दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर महाराष्ट्र का देखिए जो कोड है यहाँ पर जो कट ऑफ है 67, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, मतलब एवरेज मान के चलिए तो और जो स्टेट्स हैं उनके कंपेयर में अच्छा है। दूसरे नंबर पर मैं बात करना चाहूँ तो आप दूसरे नंबर में गुजरात दे सकते हैं, ठीक है, आप इसी के अकॉर्डिंग अपना देख लीजिए, आप गुजरात भी दे सकते हैं, ठीक है। अब आप जो ईस्ट के जो स्टेट से वो भी दे सकते हैं, तो अकॉर्डिंग टू मी आपको दो नंबर पर गुजरात देना चाहिए, ठीक है, गुजरात दो नंबर पर दे सकते हैं। थ्री नंबर पर मैं बात करना चाहूँ तो थ्री नंबर पर आप उड़ीसा दे सकते हैं, यहाँ पर भी कटअप जो है काफ़ी कम देखने को मिलेगा। फोर्थ नंबर पर यदि मैं बात करूँ तो आपको फोर्थ नंबर पर आसाम भी दे सकते हैं, और फिफ्थ नंबर पर लास्ट जो आप कर्नाटका दे सकते हैं, ठीक है। ये फाइव स्टेट का आपका मैंने पोस्ट बतलाया है, सॉरी स्टेट बतलाया है, जो आप एमटीएस में अकॉर्डिंग टू अपने अनुसार अकॉर्डिंग टू यू अपने चॉइस के अनुसार दे सकते हैं। ये जो स्टेट्स हैं इनके कट ऑफ और स्टेट के कंपेयर में कम जाते हैं, तो इनका जो कोड है आपका नोटिफिकेशन मिल जाएगा, जब आप अप्लाई करेंगे तो हर स्टेट का वहाँ पे कोड अवेलेबल है, ठीक है। जैसे उड़ीसा एमटीएस का 32 है, तेलंगाना की बात करो, तमिलनाडु की बात करो या पुडुचेरी की बात करो तो 62 है, ऑल स्टेट ऑल एमटीएस के लिए आपका जो कोड है 72 है। ये सारे कोड आपको इसके नोटिफिकेशन में मिल जाएंगे या जब ऑनलाइन अप्लाई करेंगे वहाँ पर भी मिल जाएंगे। तो आपने यहाँ पर देखा 18 से 25 के टॉप 5 कम कट ऑफ वाले राज्य के बारे में। अब मैं आपके साथ यहाँ पर डिस्कस करूँगा कैटेगरी 18 से 27 के बारे में। अब यहाँ पे बात होगी 25 से 27 के बारे में कि यहाँ पर इनका कौन कौन से राज्य में कटअप कम गए थे और आपको कौन से स्टेट को प्रेफरेंस
अपने अनुसार चुनना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर एमटीएस 2019 का कटअप हम लोग देखेंगे। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर एमटीएस 2019 का कटअप क्या गया था। तो यहाँ पर जो एमटीएस का सबसे जो हाई कटअप गया था हरियाणा का, आप देख सकते हैं हरियाणा का जो कटअप गया था यूआर का वो 96.3 था। ईडब्ल्यूएस का बात करें यहाँ पर 18-27 में तो ये 93.8 था। इस तरह से और भी जो स्टेट हैं जैसे कि राजस्थान है, इसका भी कटअप काफ़ी ज़्यादा गया था। उसके बाद आप बात करें पंजाब की तो इसका भी कटअप काफ़ी ज़्यादा गया था। तेलंगाना, ये सारे राष्ट्र जो राज्य हैं, बिहार, इनके कटअप काफ़ी ज़्यादा गए थे। ठीक है, यहाँ पर जो कम कटअप वाले जो स्टेट हैं तो यहाँ पर भी मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि एक नंबर पर महाराष्ट्र ही हैं। यहाँ पर यूआर का जो कटअप है 71.5 है और ईडब्ल्यूएस का जो कटअप गया था 68.1। ओबीसी का यहाँ पे जो कटअप गया था 68.6। एससी का जो कटअप गया था 70.4 और एसटी का 57.9। ठीक है, उसके बाद जो कटअप कम जाने वाला राज्य दूसरे नंबर पर आपका है गुजरात, दादर नगर हवेली। ठीक है, इसमें दो तीन राज्य है, गुजरात, दादर नगर हवेली। ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो यू आर का कटअप गया था वो 70.7 था। इसका ई डब्ल्यू एस कटअप की बात करें तो इसकी डब्ल्यू एस कटअप जो 68.9 था, 68.9। वहीं पे बात करूँ मैं ओबीसी का तो ओबीसी यहाँ पर कटअप गया था 69.2। ठीक है, ये सारे स्टेट्स को आपके कटअप अच्छे से समझना चाहिए। जल्दबाजी ना करिए, वीडियो को लास्ट तक देखिए, आप खुद समझ सकते थे। मैं चाहता तो डायरेक्ट आपको बतला सकता था कि हाँ ये रास्ता पढ़ लेते, लेकिन आपको चीज़ें समझना काफ़ी ज़रूरी है। तो यहाँ पे एससी की कटअप की बात करें तो एससी का जो है 68.7 था और एसटी का जो कटअप है 59.5। ठीक है, अब आगे मैं बात करूँ तो आगे का जो स्टेट्स हैं, दिल्ली का भी कटअप कम ही गया था 2019 में। हालांकि दिल्ली का जो फाइनल कटअप है वो अधिक जाता है, लेकिन यहाँ पे टीयर वन की बात मैं कर रहा हूँ। तो दिल्ली का जो जनरल का कटअप गया था 73.2 था, 73.2। और यहाँ पर ईडब्ल्यूएस की बात करूँ तो 69.7। वहीं मैं बात करूँ आपका ओबीसी का तो ओबीसी का जो कटअप गया था 69.5। वहीं पर बात करते हैं एससी का तो एससी का 72.8 और एसटी का 62.3। ठीक है, अब बात करूंगा मैं एमपी का, मध्य प्रदेश का यूआर का कटअप गया था 72.5 और यहाँ पे ईडब्ल्यूएस का 69.3। ओबीसी का जो कटअप था 17.1 और एससी का 17.1 और एसटी का 60.6। ठीक है, इतना स्टेट काफ़ी है, आप यहाँ पे चार स्टेट यहाँ पे देख सकते हैं। अब आगे मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा दो स्टेट जो हैं 2020 एमटीएस 2020 में कौन कौन सा स्टेट का यहाँ पे जो कटअप है सबसे कम गया था। तो यहाँ पर आप देखिएगा तो यहाँ पे जो सबसे कम जो जाने वाले जो स्टेट्स हैं 2020 में तो यहाँ पर कर्नाटका हो गया, उसके बाद महाराष्ट्र हो गया। तो एक नंबर पर आप कर्नाटका को रख सकते हैं। यहाँ पर कर्नाटका का कटअप काफ़ी कम गया था 2020 एमटीएस में। यहाँ पर कर्नाटका का जो कटअप है 71.8 है जनरल का और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 69.9 है। ओबीसी का आप यहाँ पे बात करें तो ओबीसी कटअप थोड़ा सा हाई गया था 70.9। उसके बाद यहाँ पर महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र का कटअप यहाँ पर आप देख सकते हैं कि महाराष्ट्र का जो यू आर आई कटअप गया था वो 72 point something था। महाराष्ट्र का ई डब्ल्यू एस 70.8 था और ओ बी सी 69.6 और यहाँ पे एस सी 67 point something और एस टी भी 58 point something था। ठीक है, चलिए आगे स्टेट में देखूँगा आपके साथ तो तमिलनाडु का भी कटअप ठीक ही गया है। तमिलनाडु का यू आर का कटअप जो गया है 76 point something है यहाँ पे और ई डब्ल्यू एस जो गया था 70 point something गया और ओ बी सी 75 point something और एस सी यहाँ पे नहीं है और यहाँ पे एस टी जो है 59 point something। ठीक है, अब आंध्र प्रदेश
इसका देख लेते हैं आंध्र प्रदेश, इसका भी कटअप औरों के कंपेयर में कम है। यहाँ पर जो जनरल कटअप गया है 74.9 और यहाँ पे जो EWS है 71.3, OBC 73.6 और SC 70.3 और ST जो है 67.7 है, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे ओडिशा का, उड़ीसा का जो URA कटअप गया है ये थोड़ा सा अधिक किया था 66.8 और EWS का जो कटअप गया है 75 point something था और OBC का जो कटअप गया है 73.8 था यहाँ पे एग्जैक्ट, और SC का जो कटअप गया है 72 point something और ST 60.4, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर जो ये जो स्टेट है ये कम गया है। यदि मैं हाई कटअप वाले स्टेट की बात करूँ तो हाई कटअप वाले में आ जाएगा बिहार, UP, झारखंड, इनका जो कटअप है काफ़ी ज़्यादा गया है कंपेयर टू इस स्टेट, ठीक है। तो यदि आप 18 से 27 कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और यदि आप पूरे भारत में कहीं भी जॉब करने के इच्छुक हैं तभी आप ये पोस्ट प्रेफरेंस डालिए, अदरवाइज आप जिस स्टेट में जॉब करना चाहते हैं तो पहले तो आपको वही डालना चाहिए। देखिए यहाँ पे बात करता हूँ कि आपको एक नंबर पर कौन सा स्टेट चुनना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। यहाँ पर आप कंपेयर कीजिए तो एक नंबर पर आपका महाराष्ट्र ही बेहतर रहेगा, ठीक है, ताकि आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो जाए। आप ऑल MTS चुन सकते हैं लेकिन नोटिफिकेशन में क्लियर मेंशन है कि शुरुआत में ही आप ऑल बिल्कुल ना चुनें। एक नंबर पर आप महाराष्ट्र डाल सकते हैं और दो नंबर पर मैं यहाँ पर बात करूँ तो दो नंबर पर आप कर्नाटका भी डाल सकते हैं, यहाँ पर गुजरात दादर नगर हवेली, तो कर्नाटका भी आप डाल सकते हैं या गुजरात। तीन नंबर पे बात करूँ तो यहाँ पर तीन नंबर पे यदि आप MP चॉइस कर सकते हैं तो यह भी बेटर है, और फोर्थ नंबर पर आप उड़ीसा भी आपके लिए ठीक रहेगा, इसका भी कटअप एवरेज ही जाता है। और इसके बाद आप आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु जो भी आपकी चॉइस हो वो यहाँ पर आप इसका डाल सकते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा कि मैंने आपका डिस्कस किया कि कम कटअप वाले 5 स्टेट्स कौन कौन से, ताकि आप उसमें पोस्ट प्रेफरेंस दे सके। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। इस तरह के वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, काफ़ी एनालिसिस करना पड़ता है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।